सो हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर हम एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के साथ ज्वाइन करेंगे, पर इसके अंदर हम कोई भी प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज नहीं करेंगे, strcat को यूज नहीं करेंगे। सो लेट्स सी द प्रोग्राम। सो प्रोग्राम के अंदर देखिए, हमने एक स्ट्रिंग str1 और दूसरी स्ट्रिंग str2 दोनों को हमने डिक्लेयर कर दिया। सो ये डिक्लेरेशन पोर्शन है, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर दिया है। कुछ वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है हमें, i = 0 और j = 0 हमने यहाँ पे ले रखा है। क्या करेंगे इसके साथ, लेट्स सी, अभी देखते हैं आगे। उसके बाद हम str1 और str2 दोनों वेरिएबल की वैल्यू को यूजर से ले लेंगे, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, दोनों को लेंगे और फिर इसके बाद एक स्ट्रिंग के पीछे दूसरी स्ट्रिंग को हम ज्वाइन करवाएंगे। सो क्या करना है, हमें सबसे पहले दोनों का डेटा ले लेना है, और दोनों का डेटा को लेने के बाद अब हमें किसी एक स्ट्रिंग की ट्रवर्सिंग करानी शुरू कर देनी। हमने यहाँ पे आई की वैल्यू को 0 ले रखा है, तो आई की वैल्यू को जब हमने 0 लिया है, तो यहाँ पे व्हाइल लूप की हेल्प से मैंने ये प्रोग्राम बनाया है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले str1 की ट्रवर्सिंग करवा रहे हैं, नल करेक्टर तक हम इसको लेके जा रहे हैं, और नल करेक्टर तक हम इसको लेके जाएंगे और आई की वैल्यू को बार बार इंक्रीमेंट करवाते ही जाएंगे, ठीक है। अब इसको अब और अच्छे से देखने के लिए मैं एग्जाम्पल आपको एक शो करती हूँ, कुछ मैं लिखती हूँ साथ में वेरिएबल्स के अंदर डेटा को स्टोर करा के आपको बताती हूँ। तो देखिए, आप देखिए, जब हमने S1, str1 और str2 की वैल्यू को यूजर से लिया, तो आप अज्यूम करो str1 की वैल्यू जो हमारे पास है वो है ABC और str2 की वैल्यू हमारे पास है DE, ठीक है। सो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू की वैल्यू को यहाँ पे कंसीडर किया है, तो हम सबसे पहले आई वेरिएबल को यूज करके एस जो स्ट्रिंग वन है उसको हम ट्रवर्सिंग करवाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, आई 0 पोजिशन पे जाके खड़ा हो जाएगा इस लूप की हेल्प से। ये जो लूप मैंने व्हाइल लूप चलाई है, इसके अंदर हम स्ट्रिंग वन को ट्रवर्स करवा रहे हैं और आई वेरिएबल को यूज कर रहे हैं। आई की वैल्यू इनिशियली 0 है, उसके बाद हमने ट्रवर्सिंग करवाई, आई की वैल्यू क्या हो गई, आई की वैल्यू 2 हो गई। उसके बाद हमने ट्रवर्सिंग करवाई, आई की वैल्यू 3 हो गई। उसके बाद इसके बाद क्या होगा, थर्ड पोजिशन पे नल करेक्टर होगा। सो नल करेक्टर जो है, यहाँ पे हमारा नल करेक्टर स्टोर्ड होगा, नल करेक्टर को देखते ही यहाँ पे ट्रवर्सिंग खत्म हो जाएगी। तो आई की वैल्यू कहाँ पे स्टॉप हुई, आई की वैल्यू थर्ड पोजिशन पे स्टॉप हो गई, यहाँ पे आई की वैल्यू ने अपना काम करना बंद कर दिया। तो आई कहाँ पे स्टॉप हुआ, करंटली आई की वैल्यू 3 है। इस टाइम पे आई ने कहाँ पे स्टॉप किया है, आई की वैल्यू ने 3 पे स्टॉप कर दिया है। अब हमने क्या किया, अब आई को यहीं पे रोक दिया, आई की वैल्यू अभी इनिशियली हम ये मान के चल रहे हैं कि आई की वैल्यू 3 है, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने स्ट्रिंग 2, जो हमने स्ट्रिंग 2 ले रखी है, उसके अंदर भी यूजर ने डेटा एंटर किया था, अब हम उसकी ट्रवर्सिंग कराएंगे विद द हेल्प ऑफ जे। जे की वैल्यू भी हमने 0 ले रखी है और जे को भी हम नल कैरेक्टर तक ही चलाएंगे। तो यहाँ पे जे इनिशियली 0 पे खड़ा होगा, सबसे पहले जे की वैल्यू 0 होगी, तो जे 0 पे खड़ा होगा। उसके बाद जैसे ही जे 0 पे खड़ा होगा, हमने क्या बोला है, जे कब तक चलेगा, जे नल कैरेक्टर तक चलेगा। तो जे जब 0 है, तो हम क्या करा रहे हैं, एसटीआर की जो str2 मतलब स्ट्रिंग 2 की जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग 1 के अंदर जाके स्टोर करवा रहे, ठीक है। आई कहाँ पे स्टॉप हुआ था, आई 3 पे स्टॉप हुआ था। तो हम क्या कर रहे हैं, जे की जो वैल्यू है, जे जहां पे भी खड़ा है, उसके डेटा को हम कहाँ स्टोर करा रहे हैं, ith पोजीशन पे जाके स्टोर करवा रहे हैं, जहाँ पे आई ने अपना काम करना बंद किया था। इसका मतलब आई की वैल्यू 3 पे स्टॉप हुई थी, नल कैरेक्टर था, अब वो नल कैरेक्टर वहां से हो जाएगा लॉस्ट और उस नल कैरेक्टर की जगह पे क्या आ जाएगा, डी, यहाँ पे डी स्टोर हो जाएगा, ओके। अब क्या होगा, अब जे को इंक्रीमेंट मिला है, तो जे 0 पोजीशन पे से यहां से शिफ्ट होके जे 1 पे चला जाएगा, और यहाँ पे आई को भी इंक्रीमेंट मिला हुआ है, तो आई इंक्रीमेंट होके 4th पोजीशन पे जाके खड़ा हो जाएगा। जैसे ही इंक्रीमेंट होंगे, फिर से इसको चेक किया जाएगा कि भाई इसे इस पे नल कैरेक्टर तो नहीं है, नल कैरेक्टर नहीं है, तो अब क्या करेंगे, जहां पे भी जे खड़ा है उसके डेटा को आई पोजीशन पे जाके स्टोर करवा देंगे। आई पोजीशन पे जब स्टोर कराएंगे, तो 4th पोजीशन पे जाके ई स्टोर हो जाएगा। जैसे ई स्टोर होगा, अब उसके बाद जे को इंक्रीमेंट मिलेगा और आई को भी इंक्रीमेंट मिलेगा, तो आई हमारा कहाँ खड़ा हो जाएगा, नेक्स्ट पोजीशन पे जाके 5th पोजीशन पे खड़ा हो जाएगा, और जे कहाँ पे खड़ा हो जाएगा, 2nd पोजीशन पे। अब स्ट्रिंग 2 का डेटा खत्म हो चुका है, ऑब्वियसली यहाँ पे अगर डेटा खत्म हो चुका है तो यहाँ पे क्या होगा, नल कैरेक्टर। तो जे की पोजीशन को चेक किया जाएगा कि क्या यहाँ पे नल कैरेक्टर है, अगर नल कैरेक्टर है तो काम करना बंद करना पड़ेगा। तो यहीं पे ही जे अपना काम करना बंद कर देगा, एक तो उसका डेटा खत्म हो चुका है और नल कैरेक्टर मिल चुका है। अब स्ट्रिंग 2 का डेटा स्ट्रिंग 1 के अंदर जाके स्टोर हो गया है, पर नल कैरेक्टर लास्ट में डालना होता है, तो हम लूप को यहाँ पे बंद कर देंगे
और फिर लास्ट में नल कैरेक्टर को इंसर्ट कराएंगे, जहां पे आई ने अपना काम करना बंद किया था उसकी लास्ट पोजीशन पे जाके नल कैरेक्टर स्टोर हो जाएगा। और जब हम str1 को प्रिंट कराएंगे तो str1 क्या प्रिंट होगा, सबसे पहले ए बी और सी उसका खुद का डेटा था और हमने str2 मतलब स्ट्रिंग 2 का डेटा भी कॉपी करवाया है, तो क्या प्रिंट होगा, डी एंड ई। str1 के अंदर क्या प्रिंट हो जाएगा, ए बी सी डी ई, तो ये डेटा हमारा प्रिंट हो जाएगा। आई थिंक आपको ये प्रोग्राम क्लियर है। सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम प्रोग्राम कौन सा करने वाले हैं। नेक्स्ट हम प्रोग्राम करेंगे एक स्ट्रिंग को रिवर्स करना सीखेंगे, और उसको उसके अंदर जब हम स्ट्रिंग को रिवर्स करेंगे तो उसके अंदर हम प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज नहीं करेंगे। सो ये प्रोग्राम मैं आपको कराऊंगी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।